भारत में ट्रेन परिवहन का सबसे पसंदीदा साधन है। हर दिन लाखों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ सामान लेकर भी चलते हैं। हर दिन बहुत से यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है या खो जाता है। चोरी हुए या खोए सामान की बहुत से यात्री शिकायत भी दर्ज नहीं कराते हैं। बहुत से लोगों को तो यह पता ही नहीं होता है कि शिकायत आखिर कहां और कैसे दर्ज कराएं। कुछ यात्रियों की धारणा होती है कि मामला दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा और उन्हें उनका खोया या चोरी हुआ सामान वापस तो नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी यात्री का लगेज या सामान चोरी हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, या फिर किसी यात्री को अपने खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाती है तो उसे सबसे पहले तुरंत शिकायत दर्ज कराना चाहिए। अगर शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ काम करने होते हैं। अगर आपकी ओर से यह काम नहीं किया जाता है तो सामान के साथ साथ रेलवे की ओर से मुआवजे की रकम भी नहीं मिल पाएगी। अगर किसी यात्री के रास्ते में सामान की चोरी हो जाती है तो रेलवे की वेबसाइट के अनुसार ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी स्क्वाड से संपर्क किया जा सकता है। इन लोगों की ओर से प्राथमिकी फॉर्म दी जाएगी। इसे भरकर आप आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया जाएगा। अगर आप अपने यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो यह शिकायत पत्र आप किसी भी सहायता के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी दे सकते हैं। अगर आपने अपना सामान रेलवे की लगेज के लिए बुक कराया है और फीस भरी है तो सामान के खो जाने या नुकसान होने पर रेलवे जिम्मेदार होगा और इसकी पूरी कीमत रेलवे की ओर से मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। लेकिन अगर सामान की बुकिंग नहीं कराई गई है तो रेलवे केवल 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही भुगतान करेगा। दरअसल लगेज की चोरी होने के बाद यात्री को शिकायत दर्ज कराना होगा। शिकायत दर्ज होने के बाद रेलवे की ओर से जांच की जाएगी। अगर जांच के बाद भी सामान नहीं मिलता है तो रेलवे उन सामान पर मुआवजा देगा। हालांकि यह मुआवजा लगेज या सामान की कीमत से भी कम हो सकती है। तो इस तरीके से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि अगर उनके सामान खो गए हैं या सामान नहीं मिल रहा है या उनके सामान चोरी हो गए हैं तो चोरी हुए सामान को वापस पाने के लिए या खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वो सामान वापस नहीं भी होता है तो रेलवे की तरफ से मुआवजा राशि दी जाती है। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि आखिर इसके बारे में शिकायत वो करे तो करे कहाँ। तो आपने इस वीडियो में जाना कि अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं और ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपकी लंबी दूरी की यात्रा है तो आप अपना सामान की रक्षा करें, और अगर आपके सामान चोरी हो जाती है तो इसका ख्याल रखें कि इसके लिए आपको शिकायत भी दर्ज कराना होगा जिसके लिए रेलवे एक्शन लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।